गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज इस वीडियो में हम क्लास एट का जो चैप्टर सिक्स है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेवन्थ पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना। तो एक्सरसाइज हमारी कौन सी 6.4 है और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर वन है और इसका पार्ट कौन सा हमारा सेवन पार्ट। तो मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, पहले पार्ट है हमारा क्वेश्चन है 5 7 7 6 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का कह रहा है, पढ़ लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो बहुत ईजी है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और ये नंबर जो है 5 7 7 आपने इसके अंदर लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेयर बनाने। तो इसमें खाली हमारे दो पेयर बन रहे हैं, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक के आपको स्क्वायर लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर कितना हमारा 81, ठीक है। 1 से लेकर हमने 9 तक के स्क्वायर लिख लेने हैं। अब जिस स्क्वायर का ही सारा गेम है। अब देखो ये पहला नंबर हमारा 57 है, तो हमने देखना लिस्ट में 57 किसके पास में आ रहा है, 49 है, उसके बाद 64 है। 64 जो है हमारा 57 से बड़ा है तो हम 49 को लेंगे। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 7 यहाँ आएगा और 7 हमारा ऊपर लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 49, ठीक है। और यहाँ पर लाइन खींच जाएगी ऐसे करके, और ये जो 7 लिखा है इसको एक बार और 7 लिख के इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 प्लस 7 14। और ये क्या होगा, माइनस होगा। अब ये 7 जो है 9 से स्मॉल है तो इधर कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा। और ऊपर के जो दो नंबर हैं एक साथ हमारे आ जाएंगे क्योंकि वो पेयर में आएंगे, पेयर में से पेयर में आएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लाना है 876 लाना है। अब फिर से हम लास्ट का नंबर देखेंगे यहाँ पर और यहाँ का देखेंगे नंबर, लास्ट का कहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 में, लास्ट में 4 का 6 आ रहा है और 6 का 6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे 1 4 लिख के पहले 4 को ट्राई करेंगे, और 4 का लिखेंगे और 4 की साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 4 या 16, फिर 1 चला गया 4 4 16 और 1 17, 1 ज़्यादा लगा 4 4 1 4, 1 प्लस 5, तो 5 आ रहा है, तो ये स्मॉल आ रहा है तो ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 6 है, 6 × 6 करेंगे, 6 6 जा 36 और 6 4 जा हमारा कितना होता है 24 24 प्लस 3 25 26 27, तो कितना आ गया 27 और 6 1 जा 6 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो देखो 876 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 6 आएगा, यहाँ पर भी हमारा 6 आएगा और यहाँ पर हमारा 876 आ गया और ये पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो आंसर कितना आया 76, ठीक है। था नहीं ईजी, और कितना ईजी था और कितना इंटरेस्टिंग था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पर कमेंट जरूर करें आप लोग, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब करना हो तो लास्ट में सर्कुलर आइकन आता है, आप उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और लास्ट में प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आता है आपका चैप्टर का, तो आप उसमें जाके प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, ऑल दी क्वेश्चंस, फुल चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।